सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर 16 अक्टूबर सेल शुरू होने वाली है, जिसमें आपको सैमसंग का A50s 12,600 रुपये तक में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज पर खरीदना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये दोस्तों अच्छी डील है? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए तो दोस्तों किन लोगों को खरीदना चाहिए, और अगर आपको ये फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए तो दोस्तों आप इसके लिए कौन सा फ़ोन खरीद सकते हैं, ये सब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, और साथ में दोस्तों मैं आपको यही बताऊँगा कि इसी डील के अंदर आपको इसी रेंज पर और कौन से फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, जो दोस्तों इस सैमसंग गैलेक्सी A50s को काफ़ी टक्कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सही से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में पूरे फीचर बताता हूँ, और साथ में आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और ये आपको 12,600 रुपये में कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर 16 अक्टूबर सेल शुरू होने वाली है, उस सेल में दोस्तों ये फ़ोन आपको 14,000 रुपये तक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तब आपको इसमें 1400 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फ़ोन आपको 12,600 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्या ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो एक ब्रांडेड फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो, अगर आपको सैमसंग फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी सर्विस आपको अच्छी मिले, जिसका कस्टमर केयर सर्विस सेंटर आपको नई दिख मिले और अच्छा मिले, तब आप इस फ़ोन को ले सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन की क्लैरिटी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें Exynos का 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो दोस्तों एक काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते, जिनको एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए, जो दोस्तों नॉर्मल यूज करते हैं, जिनको ज़्यादा गेमिंग करने का शौक़ नहीं है, जिन्हें दोस्तों ज़्यादा हैवी गेमिंग करने का शौक़ नहीं है, जो दोस्तों अपने फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आप हैवी गेमिंग करते हो, आप अपने फ़ोन को पूरा दिन यूज़ करते हो, सारा दिन उसमें मल्टीटास्किंग करते हो, तब आपको इसकी जगह रियलमी का 6i लेना चाहिए, वो भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा, वो भी इसी सेल के अंदर। तो दोस्तों सैमसंग का फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए होती है, क्योंकि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है उसमें आपको काफ़ी अच्छे से कलर नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो सैमसंग ब्रांड का हो, डिस्प्ले उसकी सुपर एमोलेड हो, फुल HD डिस्प्ले हो, और दोस्तों उसकी डिज़ाइन हो काफ़ी अच्छी लग रही हो, काफ़ी स्लिप हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों 12,600 रुपये में जो बुरी डील नहीं है। अगर आप इस फ़ोन को अभी परचेज करते हो तो आपको ये फ़ोन 18,500 रुपये तक में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको सेल में लोगे तो ये फ़ोन आपको 12,600 रुपये तक में मिल जाएगा। तो दोस्तों 12,500 में ये फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तब आपको इसे इसी पर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी रेंज पर आपको रियलमी का 6i देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप हैवी गेम कर सकते हो और कितना भी उसमें नेट चलाओ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।